स्क्वायर रूट ऑफ 15 यानी 15 का वर्गमूल अंडर रूट 15 कैसे फाइंड करें, अभी हम सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सबसे पॉपुलर मेथड भाग विधि है, जिसको हम लॉन्ग डिवीजन मेथड के नाम से जानते हैं। इस मेथड के द्वारा हम किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मात्र चंद सेकेंड में फाइंड कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम इसका फाइंड करें, आप देख सकते हैं ये दो अंकों की संख्या है। तो इसके साथ आप ये भी समझ लीजिए कि दो अंकों की संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालें। तो ये 15 है, तो 15 के लिए हम सेलेक्ट करेंगे 3 × 3 कितना होता है 9। किसको लिया, अपने 3 को, तो 3 को ऊपर लिख देना है यहाँ पे एक बार, ठीक है। उसके बाद इनको जोड़ना है, इसको घटाना है। 3 + 3 कितना आ गया 6, 15 - 9 कितना 6 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 15 को ऐसे लिख सकते हैं 0.000000। आप कहेंगे हाँ, दो दो ज़ीरो को एक साथ लेकर चलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इन डबल ज़ीरो को यहाँ ले आएंगे। अगला स्टेप यह होगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है उसको ध्यान से समझें। इस 6 के साथ ऐसी कौन सी संख्या लें, उसका मल्टीप्लाई करें कि आपका 600 से बड़ा ना आए। जैसे यहाँ पे 3 × 3 क्यों लिया, क्योंकि इनका गुणा करने पर जो संख्या आ रही वो 15 से बड़ी नहीं है। यदि 4 × 4 लेते हैं तो 16 आ रहा है, जो 15 से बड़ा है, ये ध्यान रखें। अब तो यहाँ पे मैं विचार किया, 7 × 8 = 64 और 8 × 7 = 48 8 लिया, ठीक है। 8 × 8 = 64, 6 करी चला गया, 8 × 7 = 48 और 6 कितना 54, ठीक है। उसके बाद हम इसको प्लस करते हैं, इसको माइनस करते हैं, वही सेम स्टेप रिपीट होगा। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास 76, इसको माइनस किया तो कितना आ गया 56 आ गया। और इन अगले डबल ज़ीरो को हम यहाँ लिख देते हैं। और ध्यान रखना, यहाँ पे 8 को लिया तो इस 8 को यहाँ लिखना है, जो भी संख्या यहाँ पे लेकर चलेंगे इसको साथ ही साथ यहाँ लिखते चलेंगे। अब जैसे हम 7 × 42 = 8 × 48, तो ये तो आपका हो जाएगा 7 × 8 = 56 7 × 42। ओके, हम यहाँ पे किसको लेते हैं, 6 को लेते हैं, ठीक है। 7 × 42 7 को लेंगे, 7 × 7 = 49 और 49 = 4, ठीक है। नहीं नहीं 7 को लेना पड़ेगा, ठीक है, ओके 7 को लेते हैं, ठीक है। 7 लेते हैं, एक मिनट यहाँ साफ लिख देता हूँ मैं। 7 लिया, 7 का मल्टीप्लाई किया तो 7 × 7 = 49 और 4 के लिए आ गया 7 × 42 = 4 = 47, फिर 4 के लिए आ गया 7 × 7 = 50 और 4 कितना आ गया 53 आ गया। किसको लिया अपने, 7 को लिया, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर वही आपका माइनस और प्लस का स्टेप रिपीट करके आगे कंटिन्यू करना है। तो यह वैल्यू निकला है कितना 3.87, यह इस 15 का स्क्वायर रूट का वैल्यू है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। अगले वीडियो में जल्दी फिर मिलते हैं।